हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 6 आवर बॉडी। बच्चों आज हम चैप्टर 6 आवर बॉडी स्टार्ट करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, सेंस ऑर्गन एंड ग्रोइंग अप। बच्चों हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? बॉडी के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और ग्रोइंग अप के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। बॉडी पार्ट्स एंड देयर फंक्शन, हमारे बॉडी के पार्ट्स और उनके फंक्शन। आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स, हमारी बॉडी के बहुत सारी पार्ट्स होती हैं। ईच पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन, हमारे बॉडी के सारे जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लेट अस लुक एट सम बॉडी, सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी। चलो हम कुछ अपने बॉडी के कुछ पार्ट्स को देखते हैं। तो बच्चों लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर देखो। इस पिक्चर में क्या है, एक बॉय है और उसमें क्या है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स हैं। तो बच्चों ये क्या है, हेड है, ये आईज, ये नोज, ये ईयर, ये टंग, ये शोल्डर्स, नेक्स, आर्म्स, फिंगर, चेस्ट, स्टमक, थंब, नीज, फुट, लेग एंड टोज। दीज आर आवर बॉडी पार्ट्स। ये सारे क्या है, ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं। आवर हैंड्स, आवर हैंड्स हेल्प अस टू होल्ड थिंग्स। हमारा जो हैंड्स होता है वो हमें थिंग्स को होल्ड करने, मीन्स की पकड़ने में हेल्प करता है। और टू राइट एंड टू ईट, और राइट करने में भी हेल्प करता है और ईट करने में भी हेल्प करता है। लुक एट दिस पिक्चर, बच्चों आप इस पिक्चर को देखिए। इसमें क्या, एक बॉय है जो क्या पकड़ा है, जो कुछ बुक्स को वो क्या किया, होल्ड किया है, मीन्स की होल्डिंग थिंग्स, वो क्या किया है, कुछ थिंग्स को होल्ड किया है। लुक एट नेक्स्ट पिक्चर, बच्चों आप नेक्स्ट पिक्चर को देखो। इस पिक्चर में क्या है, एक गर्ल है जो क्या कर रही है, अपनी हैंड की हेल्प से राइटिंग कर रही है, मीन्स की वो लिख रही है। लुक एट नेक्स्ट पिक्चर, आप नेक्स्ट पिक्चर देखो। इसमें क्या बच्चा, एक बॉय है जो क्या कर रहा है, ईटिंग कर रहा है, कुछ चीज खा रहा है, किसकी हेल्प से, अपने हैंड्स की हेल्प से। तो हमारे हैंड्स क्या करते हैं, हमारे हैंड्स थिंग्स को होल्ड करने में हेल्प करते हैं, राइट करने में हेल्प करते हैं और ईट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है वो है लेग्स, आवर लेग्स हेल्प अस टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमारा जो हेल्प सॉरी हमारा जो लेग्स होते हैं वो हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव करने में हेल्प करते हैं। दे हेल्प इन सॉरी दे हेल्प अस इन वॉकिंग, साइकिलिंग, रोडिंग, अ बस एक्सेट्रा। वे हमें किस में हेल्प करते हैं, वे हमारी किस में हेल्प करते हैं, वॉकिंग करने में, साइकिलिंग करने में, रोडिंग अ बस एक्सेट्रा में हेल्प करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, बच्चों आप इस पिक्चर देखो। इसमें क्या है, एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है। लुक एट नेक्स्ट पिक्चर, आप नेक्स्ट पिक्चर में देखो, कुछ स्टूडेंट है जो क्या कर रहे हैं, रोडिंग अ बस, बस को पकड़ रहे हैं, इसकी बस पे चढ़ रहे हैं। लुक एट नेक्स्ट पिक्चर, आप नेक्स्ट पिक्चर देखो। इसमें क्या है, एक सॉरी बॉय है जो क्या कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है। इट मीन्स कि हमारे जो लेग्स होते हैं वो हमें एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करने में भी हेल्प करते हैं और हमारी साइकिलिंग, वॉकिंग एंड रोडिंग अ बस में भी हेल्प करते हैं। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है वो है नेक, आवर नेक सपोर्ट आवर हैंड एंड हेल्प हेड एंड हेल्प इट टू मूव। हमारा जो नेक होता है वो हमारे हेड को सपोर्ट करता है और उसको मूव करने में भी हेल्प करता है। लुक एट दिस पिक्चर, बच्चों आप इस पिक्चर को देखो। इसमें क्या, एक बॉय है जो क्या कर रहा है, हमारी नेक के अपने हमारे नेक की हेल्प से वो अपने हेड को मूव कर रहा है। मूवमेंट ऑफ हेड, क्या कर रहा है, वो अपने हेड को नेक की हेल्प से मूव कर रहा है। ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आया कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन कौन कौन से होते हैं? तो हमारा जो हैंड्स होता है वो हमें राइट करने में और थिंग्स को होल्ड करने में और ईट करने में हेल्प करता है। हमारे जो लेग्स होते हैं वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस को मूव करने में हेल्प करते हैं और हमारा जो नेक होता है वो हमारे हेड को सपोर्ट भी करता है और उसको मूव करने में भी हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर
Today we will go ahead in the next video.